व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। एंड गाइस, ये जो व्लॉग है एक महीने बाद आ रहा, मुझे पता है, या फिर 4 हफ्ते बाद, एक ही बात है, ठीक है। तो ये व्लॉग का सिलसिला कुछ ऐसा चल रहा था गाइस, क्योंकि मेरे मतलब स्कूल जो है रेगुलर चल रहा था, मतलब टाइम नहीं मिलता, आप समझ ही सकते हो, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो आज दशहरा, तो आप सभी लोगों को पहले याद हैप्पी दशहरा। मैं मतलब अपनी स्टोरी सुनाने लग गया और थोड़ा सा मुँह अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि भाई साइकिल में आना जाना रहता है, तो समझ रहे हो, फेस डल सा हो जाता है। और जो ये वाला फेस है, ये भी बड़ा लग रहा होगा, क्योंकि इधर ये देखो, ब्रेंड ने काट दिया था, पंगे ले रहा था मैं तो। अरे मतलब मैं जा रहा था, वो पता नहीं उनको क्या दिखा, मतलब काट दिया। तो फिलहाल अभी मैंने नहाया नहुना नहीं है, ठीक है, नहा के आऊँगा मैं और दिखाऊंगा कि हमारे उधर दशहरे की कैसे तैयारी हो रही है। हमारे घर में ही नहीं हो रही भाई, पहली बात घर में नहीं हो रही है। जो रामलीला हो रही थी वो अभी, जहाँ मतलब रामलीला हो रही थी वहाँ नहीं हो रहा है दशहरा, क्योंकि वहाँ जगह थी कम। तो दशहरा जो है वो हमारे घर के पास में ही है, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ चल के दिखाएंगे आपको कैसा अरेंजमेंट है। फटाफट से पहले मैं नहा के आता हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस, अभी मैं नहा के आ चुका हूँ और थोड़ा मुँह ज़्यादा सूजा सा लग रहा है, अभी मेरे को पता लग रहा है, क्योंकि कपड़े पहनने के ऊपर ना थोड़ा ज़्यादा सा लग रहा है। और देखो, एकदम से लाइनिंग सी बन गया इधर इस साइड, भाई बहुत खुजली हो रही है, बस जैसे तैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। और खाना भी बन चुका है, खाने में है आलू का पराठा, ठीक है, तो दिखाते हैं आपको। सो गाइस, यहाँ हमारा है आलू का पराठा बन चुका है और वहाँ और भी बन रहे हैं, ठीक है, तो दो आ चुके हैं और बहुत दिनों बाद बन रहे हैं। आप कुछ कहना चाहोगे मम्मी? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्या बोलूं। हाँ, ये भी है, सही है। तो भाई बन रहे हैं ना, सीरियस क्यों जाते तुम? और देखो, अभी फिलहाल पराठे बन चुके हैं, मम्मी हो चुकी है सीरियस, मम्मी को लगता है पता नहीं क्या है ये। और अभी एक और बन रहा है, इसमें प्याज ज्यादा लग रहा है मेरे को, आलू का पराठा है कि प्याज का है, सब मिक्स। चलो ठीक है, देखते हैं। भाई मेरे को तो मलाई के साथ पसंद है, तो फटाफट से मलाई लेके खाते हैं। सो गाइस, इसके बाद मैं सीधा चला गया इधर दशहरा में देखने, और बीच में मैंने कुछ भी नहीं किया, तो सीधा मैं दशहरा में चला गया। बाकी आगे जो है सत्य पर सत्य की विजय, यही
रामलीला हमें सिखाती है, यही भगवान राम का चरित्र हमें सिखाता है। अपने जीवन में चाहे Ha ha ha!